हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ट्रेनेक्सेमिक एसिड मेडिकेशन के बारे में। तो हम सीखेंगे ये मेडिकेशन के बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन में ये मेडिकेशन को यूज़ किया जाता है। साथ ही जानेंगे उसके डेली डोज के बारे में कि उसका डेली डोज क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या डेवलप होते हैं, कौन से वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस रहेंगे। तो सभी को सीखते हैं ये लेक्चर के अंदर डिटेल में। तो ये जो मेडिकेशन है वो बेसिकली ब्लीडिंग रोकने वाली दवाई जो है वो कही जाती है। तो उसके प्रॉपर हम नॉलेज लेते हैं ये लेक्चर के अंदर। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मर ऑक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मर ऑक्स के ऊपर। अब आप डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स भी फार्मर ऑक्स के ऐप ऊपर एक्सेस कर पाएंगे, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, और सीखे अलग अलग मेडिकेशंस के बेसिक यूज़ के बारे में, उनका डेली डोज, साइड इफेक्ट एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तभी डाउनलोड करिए फार्मर ऑक्स और एक्सेस करिए ये कोर्स को अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए डाउनलोड करिए फार्मर ऑक्स या फिर 9016312030 नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझते हैं ट्रेनेक्सेमिक एसिड के बारे में। तो ये मेडिकेशन ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम कहते हैं एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स। तो एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स मेडिकेशन ऐसे होते हैं कि जो प्रिवेंट करवाता है ब्लीडिंग को, कि ब्लीडिंग को कंट्रोल भी करते हैं साथों साथ उसको कंट्रोल करते हैं कि जिससे जो हैवी ब्लड फ्लो होता है उसको जो है वो कंट्रोल करता है, कि जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं, कि ऐसी मेडिकल कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि जहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, ब्लड फ्लो जो है वो काफ़ी हैवी रहता है। तो ऐसे कंडीशन में वो ब्लड फ्लो को कम करने के लिए और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। ट्रेनेक्सेमिक एसिड को शॉर्ट में TXA ऐसा भी लिखा जाता है, और यहाँ पे हम उसके दो ब्रांड नेम देख रहे हैं कि जो मैकलियोड्स की जो प्रोडक्ट देख सकते हैं टेनेक्सा 500 कि जिसके अंदर ट्रेनेक्सेमिक एसिड जो है वो 500 मिलीग्राम का है, और टैक्साकाइंड करके भी ये प्रोडक्ट आती है कि जो मैनकाइंड उसका मैन्युफैक्चर है, कि इसकी भी स्ट्रेंथ आप देखो तो 500 मिलीग्राम के ये टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ ट्रेनेक्सेमिक एसिड के IV इन्फ्यूजन्स के लिए इंजेक्शंस भी अवेलेबल है कि जो IV यूज़ के लिए ही होता है स्पेशली, और स्लो IV इन्फ्यूज़न के साथ उसको दिया जाता है। तो ये मेडिकेशन क्या करती है, हेल्प करती है ब्लड को क्लोट कर होने में एंड स्टॉप करवाती है ब्लीडिंग को, या फिर जो ब्लीडिंग जो हैवी होता है तो उसको प्रिवेंट करवाता है, कि जिससे क्या होता है कि जो ब्लड लॉस हो जाता है काफ़ी ब्लीडिंग के कारण, तो वो प्रिवेंट करवाता है। मतलब कि आप देखो कि जब भी कोई ऐसी इंजरी होती है या फिर सर्जरी हुई है तो उसके बाद समझो कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो हैवी ब्लीडिंग के कारण क्या होता है, ब्लड जो है वो लॉस हो सकता है। तो ये मेडिकेशंस क्या करती है, जो ब्लड क्लोट जो बनते हैं, कि नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है कि जैसे ही कोई ब्लड वेसल्स का इंजरी होता है या फिर ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जो है वो ब्लड क्लोट होना स्टार्ट हो जाता है। बट एक हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है फाइब्रिनोलाइसिस की, कि जिसके अंदर ये क्लोट जो है वो फिर से डिजॉल्व होना स्टार्ट होते हैं, और ये क्लोट जैसे ही डिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर से जो है वो ब्लीडिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये क्लोट को लंबे समय तक जो है वो प्रिवेंट करने के लिए और जो हैवी ब्लड फ्लो हो जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए ट्रेनेक्सेमिक एसिड जो मेडिकेशन बेसिकली जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो नोज़ ब्लीड, कि नाक में से कई बार जो है वो ब्लीडिंग होती है, और हैवी पीरियड्स के दौरान भी कई बार जो है वो काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, कि अगर पीरियड्स लंबे समय तक चले और ब्लीडिंग भी हैवी हो रही है तो ऐसे कंडीशन में उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि हैवी पीरियड्स की कंडीशन जो मेनोरेजिया के अंदर होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी ट्रेनेक्सेमिक एसिड के जो मेडिकेशन है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो अब मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ ये एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स के बारे में। तो उससे पहले यहाँ पे जो लेबल हम देख लेते हैं, ट्रेनेक्सेमिक एसिड RX रहेगा ये मेडिकेशन, रेड लाइन रहेगी, मतलब कि प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में ही यूज़ करना है।
शेड्यूल एच ड्रग रहती है, यहाँ पे लिखा है कि ये जो लेबल आप देख रहे हैं कि शेड्यूल एच ड्रग मतलब कि प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही यूज़ किया जाता है अंडर मेडिकल सुपरविज़न। तो यहाँ पे देखो इसी के लिए यहाँ पे उसके लेबल के ऊपर रहती है ये रेड लाइन की, जिसको हम लाल लकीर कहते हैं। और लाल लकीर मतलब कि कभी भी उसका सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, प्रॉपर मेडिकल सुपरविज़न के अंडर में ही ये मेडिकेशन यूज़ करनी चाहिए। तो एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स ऐसे मेडिकेशन होते हैं कि जो प्रिवेंट करवाते हैं ब्लड क्लोटिंग को, सॉरी प्रमोट करवाती है ब्लड क्लोटिंग को, कि जिससे जो ब्लड लॉस होता है हैवी ब्लीडिंग के दौरान की जो फाइब्रिनोलाइसिस की प्रोसेस। तो फाइब्रिनोलाइसिस में समझाता हूँ कि फाइब्रिनोलाइसिस के अंदर स्पेशली क्या होता है कि जो ब्रेकडाउन हो जाते हैं ब्लड क्लोट्स का, कि समझो कि ये ब्लड समझो किस तरह से लॉस हो रहा है, तो जैसे ही इस तरह से ब्लड वेसल्स को कोई इंजरी होती है तो वहाँ पे ये फाइब्रिन के जो है क्लोट्स वहाँ पे जमा हो जाते हैं, प्लेटलेट्स वहाँ पे जमा हो जाते हैं, और फाइब्रिन को यूटिलाइज करके इस तरह से तैयार हो जाता है एक ब्लड क्लोट। तो ये जो था हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी की जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स क्या करवाते हैं ब्लड को क्लोट करवाते हैं। अब ये जो ब्लड क्लोट होता है वो आगे जाके फाइब्रिनोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर उसके कारण जो है उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, और वो ब्रेकडाउन होने से फिर से ब्लड फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो समझो कि किसी को ऐसी इंजरी हुई है या फिर ऐसे मेडिकल कंडीशन प्रोड्यूस हुई है, तो वहाँ पे समझो कि इस तरह से ब्लड क्लॉट जो है वो डिजॉल्व होते जा रहे हैं, ब्रेकडाउन होते जा रहे हैं, तो क्या होगा वो पर्सन के अंदर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग जो है वो चालू रहती है। तो उस वक्त ज़रूरत पड़ती है ये फाइब्रिनोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है उसको जो है वो स्टॉप करवाना, कि जब हम फाइब्रिनोलाइसिस स्टॉप करवा देंगे तो आगे जाके जो ब्लड क्लोट है वो लंबे समय तक रहेगा, और ब्लड क्लोट की जो जो है जो बनते हैं वो लंबे समय तक रहने से ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, बिकॉज फाइब्रिनोलाइसिस स्लो हो जाएगा, और फाइब्रिनोलाइसिस स्लो हो जाएगा तो ब्लड क्लोट जो है वो लंबे समय तक रहेंगे, कि जिससे ब्लीडिंग जो है वो हम प्रिवेंट करवा सकते हैं। तो एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स के अंदर दो मेडिकेशन ऐसे पॉपुलर है कि एक है ट्रेनेक्सेमिक एसिड और दूसरा एमिनोकैप्रोइक एसिड। तो ये दोनों काफ़ी पॉपुलर है और दोनों के बेसिक यूज़ भी जो है वो सिमिलर बनते हैं। तो आगे समझते हैं ये मेडिकेशन कैसे काम करती है। तो प्लाज्मिनोजन से जो प्लाज्मिन बनता है, कि जिसको कहा जाता है प्लाज्मिन इनहिबिटर, क्या करते हैं ये प्रोसेस को जो है वो इनहिबिट करवा देते हैं। तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड क्या करता है, इनहिबिट करता है एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन, कि ये समझो कि प्लाज्मिनोजन है और उससे जो प्लाज्मिन बनता है तो ये प्रोसेस को ही क्या करते हैं ये मेडिकेशन इनहिबिट करवा देते हैं, कि जिससे आगे जाके जो प्रोसेस जो होती है फाइब्रिनोलाइसिस की वो जो है वो स्टॉप हो जाती है, और प्रिवेंट होता है जो फाइब्रिन का जो ब्रेकडाउन होता है वो जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, कि जो प्लाज्मिनोजन से जब प्लाज्मिन बनता है तो ये प्लाज्मिन क्या करता है ये जो फाइब्रिन होते हैं उनका डिग्रेडेशन करती है, और फाइब्रिन की ज़रूरत रहती है क्लोट को स्टेबल रहने के लिए, बिकॉज इस तरह से जो अलग अलग जो ब्लड के जो हमारे सेल्स होते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो उनको अच्छे से इस तरह से क्लोट बनाने के लिए ज़रूरी होता है फाइब्रिन, कि फाइब्रिन के फाइबर्स जो है इस तरह से उसके ऊपर एक ऐसा अपना नेटवर्क बना देते कि जिससे फाइब्रिन के अंदर ये जो तैयार हो जाता है एक प्लेटलेट जो है वो प्लग तैयार हो जाता है, और ये प्लेटलेट प्लग के कारण क्लोटिंग जो है वो लंबे समय तक रहती है स्टेबल। अगर समझो कि प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन तैयार हो जाता है तो क्या होता होगा ये प्लाज्मिन जो क्या करेगा ये फाइब्रिन को डिजोल्व कर देगा, कि जिससे फिर से ये वाली कंडीशन प्रोड्यूस होगी, और ये वाला कंडीशन जब प्रोड्यूस होता है तो फिर से ब्लड फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यही प्रोसेस को लंबे समय तक रहने देने के लिए कि जो प्लेटलेट्स प्लग तैयार होते हैं इसका समझो कि टाइम जो है वो इंक्रीज करने के लिए, और जो क्लोट की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए ये जो मेडिकेशन जो है वो स्पेशली यूज़ की जाती है। तो ये मेडिकेशंस देने के बाद क्या होता है ब्लड क्लोट जो है वो रहता है लंबे समय तक, और वो स्टेबल रहता है,
जिससे जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं प्रिवेंट, कि जो प्रिवेंट होती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के कारण होने वाली ब्लीडिंग, और ये जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसकी जो मेकेनिज़म है कि फाइब्रिन का जो डिग्रेडेशन होता है ये करवा देता है स्टॉप, कि समझे कि ट्रेनेक्जेमिक एसिड कि जिसको TXA हम कहते हैं, TXA देने से क्या होगा कि जो प्लाज्मिनोजन में से ये जो प्लाज्मिन बनता है ये प्रोसेस ही इनहिबिट कर देगा TXA की, जिससे प्लाज्मिन नहीं बनेगा, और प्लाज्मिन हाजिर नहीं होगा तो फाइब्रिन का ये डिग्रेडेशन जो है वो नहीं होगा, और फाइब्रिन लंबे समय तक रहेगा तो आपके जो क्लोट है वो रहते हैं स्टेबल, कि जिससे ब्लीडिंग जो है वो होती है प्रिवेंट। तो बेसिक यूज़ समझे तो ट्रेनेक्समिक एसिड यूज़ होता है ट्रीटमेंट में और साथों साथ प्रिवेंशन में एक्सेसिव ब्लड लॉस की, जो ट्रॉमा के कारण होता है, कि कई बार जो ट्रॉमा होते हैं ऐसे इंजरीज होते हैं, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है या फिर जो ट्रॉमा हुए है तो उसके कारण कई बार क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है, तो वो एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ होती है। फिर जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कहते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी जो होती है, वजाइनल डिलीवरी होती है, उसके बाद जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है तो वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ किया जाता है। बिकॉज कई बार कुछ केसेस में इतनी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाती है कि पेशेंट के अंदर काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है और उससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो ऐसा ना हो इसलिए ये मेडिकेशन जो है वो यूज़फुल रहती है। तीसरा सर्जरी, कि अगर आपको कोई सर्जरी हुई है तो उसके दौरान यूज़फुल है, कि जैसे कि टूथ रिमूवल की सर्जरी और उसके बाद भी आप देखो काफ़ी सारा ब्लीडिंग होता है, कि जब टूथ को रिमूव किया जाता है, दांतों की जो सर्जरी होती है तो दांत निकालने के बाद भी कई बार ऐसा ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलता है, तो उस वक्त काफ़ी यूज़फुल है। फिर नोज़ ब्लीड, कि आप देखो कि जो कई बार कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि नोज़ में से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, कि यहाँ पे एक साइड या फिर दोनों साइड से नोज़ ब्लीड स्टार्ट हो जाता है, तो जो नाक में से जो है वो ब्लीडिंग आना शुरू होता है और उसको रोकने के लिए भी ट्रेनेक्समिक एसिड का जो ये मेडिकेशन है वो यूज़ किया जाता है। और हैवी मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि जो हैवी पीरियड्स होते हैं, ऐसे हैवी पीरियड्स की जिसके अंदर काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है और लंबे समय तक चलते हैं, कि यूजली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ब्लीडिंग के जो हम डेज कंसिडर करते हैं वो खासकर नॉर्मल 5 to 7 days जितना होता है, पर उससे भी ज़्यादा कि 14 डेज तक ब्लीडिंग होती है, 21 डेज तक ब्लीडिंग होती है, या फिर 30 डेज तक कंटिन्यूसली ब्लीडिंग आती रहती है, तो उस वक्त उसको रोकने के लिए जो ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है। उसके डेली डोज के बारे में हम समझे तो स्पेशल जो उसका डेली डोज है वो 10 से लेकर 15 मिलीग्राम जितना डोज है पर केजी पर डे, और वो भी 2 to 3 times, कि दिन में वो डोज जो है वो 2 to 3 times जो है आप पेशेंट को दे सकते हैं। कि जैसे कि सिंपली आप समझो कि पेशेंट का वेट है, समझो कि 50 किलोग्राम का कोई पेशेंट है, तो उसके लिए डोज कितना हो जाएगा, 50 into 10, मतलब कि 500 मिलीग्राम से लेकर 50 into 50 करते हम तो वो हो जाएगा 750 मिलीग्राम। अब 500 मिलीग्राम से लेकर 750 मिलीग्राम जितना डोज पेशेंट लेगा 2 to 3 times, मतलब कि 500 मिलीग्राम की ये टैबलेट यूज़ कर रहा है तो वो इस तरह से 101 दिन में 2 times ले सकता है, या फिर कंडीशन और ज़्यादा ख़राब है तो ये टैबलेट दिन में 3 times भी वो ले सकता है, कि 101 या फिर 111। तो इस तरह से ये मेडिकेशन का हो गया ये सिंपल डोज कैलकुलेशन। अब आगे समझे उसके प्रॉपर दूसरी तरीके से, तो 1 to 1.5 grams, मतलब कि 1 gram जितना भी मैक्सिमम ले सकता है 3 times a day, तो ये हो गया उसका मैक्सिमम डोज, कि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है ऐसे केसेस में तो मैक्सिमम जो है वो आप 1 to 1.5 grams जितना डोज 3 times a day जो है वो दे सकते हैं, या फिर 0.5 to 1 gram जितना डोज जो है वो 3 times a day स्लो आईवी इन्फ्यूजन्स के साथ। बिकॉज यहाँ पे देखो कंडीशन लिखी है कि जो ट्रेनेक्समिक एसिड का जो आप इंजेक्शन जो देख रहे हैं, तो इंजेक्शन के अंदर आप देखो कि स्लो आईवी यूज़ ऑनली, यहाँ पे खास इंस्ट्रक्शन लिखी है कि जब आईवी यूज़ आप यूज़ करते हैं तो स्लो आईवी यूज़ से ले, और
मेडिकेशंस रहता है 5 ml के अंदर 500 mg जितना मेडिकेशंस रहता है ये एक एम्प्यूल के अंदर। तो टैबलेट जो अगर कोई पेशेंट यूज़ करता है तो 2 से 3 टैबलेट जो है वो ले सकता है 500 mg का, कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया। और इंजेक्शन अगर देते हैं तो स्लो आईवी ड्रिप के साथ है, कि जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं उनके साथ स्लो आईवी ड्रिप से ही ये मेडिकेशन को देनी चाहिए, और वो भी अंडर मेडिकल सुपरविज़न। तो ये खास आप ध्यान रखें कि यहाँ पे उसका डोज कि जो एमजी में है किलोग्राम के अकॉर्डिंग टू, कि अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग टू डोज जो है वो प्लस माइनस होता है, कि ज़्यादा है तो प्लस, वेट कम है तो उसका डोज रिड्यूस भी हो सकता है। साइड इफेक्ट समझे तो ये मेडिकेशन लेने के बाद नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील कर सकते हैं पेशेंट, डायरिया हो सकता है, स्टमक के अंदर पेन होना, स्टमक के अंदर डिसकम्फर्ट जैसा फील होना, जैसे कंडीशन फील होते हैं, फिर वॉमिटिंग जैसा कई बार फील होता है, चिल्स मतलब कि ठंड लगना, ऐसे कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, फीवर भी हो सकता है कुछ लोगों को, सीवियर हेडेक हो सकता है कि जिसको हम थ्रॉम्बिन कहते हैं, या फिर कुछ केसेस के अंदर बैक पेन या फिर जॉइंट पेन्स जैसे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं एज अ साइड इफेक्ट। तो ये उसके कुछ माइनर साइड इफेक्ट है। अब समझते हैं उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में कि कौन से कंडीशंस में उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले डू नॉट यूज़ ट्रेनेक्सेमिक एसिड। इफ़ ट्रेनेक्सेमिक एसिड को यूज़ ना करें, कब यूज़ ना करें, तो पहली कंडीशन कि अगर रिस्क है ब्लड क्लोटिंग का, कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि ट्रेनेक्सेमिक एसिड के हायर डोज लेने से उसके बॉडी के अंदर ब्लड क्लोट हो सकता है, तो ऐसा रिस्क है तो ये मेडिकेशन को जो है यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट ये मेडिकेशन यूज़ करता है और उसको ब्लड क्लोटिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो तुरंत जो डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को उससे बताना चाहिए कि जिससे ये मेडिकेशन जो है उसको प्रिस्क्राइब ना करें। सेकंड, फ्लूइड जो है वो आपका जमा हुआ है ब्रेन के अंदर, मतलब कि ब्रेन के अंदर कोई भी फ्लूइड जो है वो जमा है तो ऐसे लोग भी इसको यूज़ ना करें। फिर क्लोट है आपकी स्मॉल वेन्स के अंदर कि जो कैरी करती है ब्लड रेटिना को, या फिर रेटिना से वापस जो है वो आइज के पास ब्लड लाती है, तो ऐसे जो केसेस जो होते हैं उन लोगों को ट्रेनेक्सेमिक एसिड यूज़ नहीं करनी चाहिए। फिर जो हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं उनको भी ट्रेनेक्सेमिक एसिड यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर ब्लड क्लोटिंग का कोई रिस्क हुआ तो जिससे जो है वो हार्ट अटैक आ सकता है। कि जो खास कि जितने भी ऐसे पेशेंट के जिनको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिलेटेड डिसीज़ है, कि हार्ट रिलेटेड आपको कोई भी बीमारी है, तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड को यूज़ ना करें। और एक्यूट ब्लड क्लोट है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर कि जो सप्लाई करती है ब्लड को लंग्स के अंदर, जो हमारे लंग्स होते हैं वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई करने वाले जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पे समझो कि कोई क्लोट दिख रहा है, तो ऐसे केसेस में भी यूज़ ना करें ये मेडिकेशन को। और अगर हार्ट के वाल रिलेटेड आपको कोई डिसीज़ है तो भी ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। तो ये खास ध्यान रखना है कि अगर ये सब कंडीशन आपके अंदर प्रेजेंट है तो कभी भी ट्रेनेक्सेमिक एसिड को यूज़ ना करें, बिकॉज इससे जो है वो आपकी लाइफ जो है वो रिस्क में और ज़्यादा जा सकती है। तो ज़रूर से आपके डॉक्टर या फार्मासिस्ट को ये मेडिकेशन लेने से पहले ये सब जो है वो डिस्कशन करना चाहिए, और उसी के बाद ही ट्रेनेक्सेमिक एसिड को लेना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये था स्पेशल लेक्चर ट्रेनेक्सेमिक एसिड के बारे में। तो ऐसे ही सीखे अलग अलग मेडिकेशंस के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस वगैरह के बारे में, वो भी काफ़ी सरल भाषा में। तो सीखिए ये सभी कोर्सेज को फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर डाउनलोड करिए। ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अफोर्डेबल प्राइस में कोर्सेज एक्सेस करें फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंट्री कोड रहेगा हमारा +91। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए जरूर से डाउनलोड करें फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।